दोस्तों, अगर हम आपसे बोलें दुनिया में सबसे बड़े स्टैचू का नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे इसकी गारंटी हम ले सकते हैं कि इस सवाल का जवाब लगभग सबका अलग अलग होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक स्टैचू है जिनके कंपैरिजन एक दूसरे से हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और फिर देखिएगा कमाल, क्योंकि आज आप अपने घर बैठे बैठे एक से एक बड़े स्टैचू के दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि लगभग हर देश अपनी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए वर्ल्ड में बड़े बड़े स्टैचू बनाते हैं, और ये कोई नई या बड़ी बात नहीं है। लगभग सभी देशों में एंशियंट टाइम से ही लंबी लंबी स्टैचू का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया भर में बनी एक से बड़ी एक सबसे ऊंची स्टैचू में से अधिकांश किसी महान व्यक्तित्वों की है जिन्होंने हिस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इन स्टैचू की खूबसूरती और लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि लोगों के लिए ये क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्टैचू के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें दुनिया में सबसे बड़ा और विशाल होने का टैग मिला। दूर से दूर लोग इन स्टैचू को देखने आते हैं। यकीन मानिए, इन स्टैचू के बारे में जानकर और इनकी ऊंचाई को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए, बिना आपको और बातों में उलझाए हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये विनवाद, चलिए स्टैचू की दुनिया में। नंबर 10, ग्रेट बुद्धा एट लिंगशान, चाइना। दोस्तों, ये स्टैचू दुनिया के सबसे बड़े और विशाल स्टैचू में शुमार है। इस स्टैचू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माउंटेन पर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टैचू चीन के लांगशान माउंटेन पर बनी हुई है। चीन में ये बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस स्टैचू को फुल ब्रॉन्ज से बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस स्टैचू की लंबाई करीब 88 मीटर है, यानी की लगभग 288 फीट। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे बनाने में पूरे 700 टन पीतल का यूज किया गया है। सच बोलो तो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे हम आपके लिए ऐसे ऐसे स्टैचू लेकर आए हैं जिनकी हाइट जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 9, स्प्रिंग टेंपल बुद्धा। अब तक दुनिया के सबसे ऊंचा स्टैचू होने का रिकॉर्ड स्प्रिंग टेंपल बुद्धा के नाम था। 128 मीटर ऊंची ये स्टैचू चीन के तियनरुई नाम के गर्म झरने के पास है, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से इसका नाम स्प्रिंग टेंपल रखा गया। बता दे, झरने के पानी का तापमान हमेशा ही करीब 60 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद अब ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। वैसे झरने के आसपास स्टैच्यू नजारा अच्छा लगता होगा ना? कैसे लगी आपको ये स्टैच्यू, बताना ना भूलना। नंबर 8, लैक्यून सेकिया। ये स्टैच्यू हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के मोनविया शहर के करीब खतकान तुंग गाँव में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस स्टैच्यू को बनाने में लगभग 12 साल का वक्त लग गया। इस स्टैचू को 1996 में शुरू किया गया और 21 फरवरी 2008 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस गौतम बुद्ध की स्टैचू की ऊंचाई करीब 115.8 मीटर है। गौतम बुद्ध के स्टैचू को पीले रंग से कलर किया गया है। इस स्टैचू में एक दो नहीं बल्कि 32 फ्लोर है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना, 32 फ्लोर में से 12 फ्लोर में म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ लोगों को नर्क की दुनिया के बारे में सब कुछ बताया गया है। बता दे दोस्तों, इस स्टैचू के हर फ्लोर में पेंटिंग लगी हुई है। ये बहुत ही फेमस भी है। सच बताइएगा, अगर आपको कभी मौका मिले ये स्टैचू घूमने का, तो क्या आप ये स्टैचू घूमेंगे? नंबर 7, उशिकु दाइबुत्सु। दोस्तों, उशिकु दाइबुत्सु जापान के उशिकु शहर में बना भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी स्टैचू है, जो 1993 में बनाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, 1993 से लेकर 2002 तक ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू रही थी। इसका निर्माण जोड़ो शिशु के संस्थापक सिनरान के जन्म की याद में बनाया गया था। बता दे, जापान में स्थित इस स्टैचू की ऊंचाई करीब 120 मीटर है। इस पूरी प्रतिमा को सिर्फ और सिर्फ पीतल से बनाया गया है। इसमें ज्यादा स्टोरेज तो नहीं है, लेकिन ये 4 मंजिला है। इन 4 मंजिला पर म्यूजियम है, जिसमे हर फ्लोर पर अलग अलग चीजें बनाई गई है। नंबर 6, चेन्दाई दाई कैनन। दोस्तों, ये स्टैचू पहाड़ पर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई करीब 99 मीटर है। आप जब इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये स्टैचू पूरे शहर और पास के करीबी गोल्फ कोर्स की निगरानी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये स्टैचू जापान में है। नंबर 5, चियानशाओ चियान्यान ग्वानियन। ये स्टैचू चीन के विशान शहर में है। इसकी भी ऊंचाई चेन्दाई दाई कैनन से बिल्कुल सेम, यानी कि 99 मीटर ऊंची है। इस स्टैचू के सैकड़ों हाथ और आंखें हैं।
वैसे तो ये स्टैचू ब्रॉन्ज का बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर परत सोने की चढ़ी हुई है। नंबर 4, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे फेमस स्टैचू है। वैसे क्या आपको पता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। इतना ही नहीं, इसका नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी हुई है और इसीलिए इस स्टैचू का मूल रंग तांबे के रंग का ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग स्टैचू के सिर तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 354 सीढ़ियां पैदल चलना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में मूर्ति के मुकुट पर 7 स्पाइक्स है और इन स्पाइक्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। इसका वजन करीब 2.5 लाख पाउंड है। नंबर 3, ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। दोस्तों, ये बुद्ध स्टैचू थाईलैंड के आंग थोंग प्रांत के वाटमंग बौद्ध विहार में स्थित है। ये मूर्ति 92 मीटर यानी 300 फुट ऊंची है, साथ ही 63 मीटर यानी करीब 210 फुट चौड़ी भी है। इस स्टैचू को बनाना शुरू किया गया था 1990 में और ये काम खत्म हुआ 2008 में। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्टैचू पर सोने के पेंट का आवरण है और ये बनी है कॉन्क्रीट से। चूंकि उसके ऊपर गोल्ड से पेंट किया गया है, इसलिए इस स्टैचू को गोल्डन बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस स्टैचू को महामहिम शाकमुनि विशेष चाय छत्र के नाम से भी जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इसे बनाने में कितनी लागत आई होगी? समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस स्टैचू को बनाने में 1-2 नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपए का खर्च आया था। जी हाँ, चौंकिए मत। वैसे इसे देखकर आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। नंबर 2, डाइकेनन ऑफ किता नो मियाको पार्क। 1989 में जब इसका अनावरण हुआ था तो जापान में भगवान बुद्ध की 88 मीटर ऊंची ये स्टैचू दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू थी। बता दें, 1991 तक इसके पास दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू होने का रिकॉर्ड था। इसके बाद और बहुत सारी स्टैचू बनाई गई तो इससे भी ऊंची ऊंची थी, जिसकी वजह से ये अब दुनिया के 10वें नंबर पर है। दोस्तों, इस स्टैचू में 1-2 नहीं बल्कि 20 फ्लोर्स हैं। इस स्टैचू में एक ऐसा फ्लोर भी है जहां आप जापान के अच्छे खासे नजारे को बड़े आराम से देख पाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें मंदिर है पूजा करने के लिए और भी कई चीजें हैं। नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, ये स्टैचू हमारे भारत में ही है। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इस स्टैचू की हाइट है करीब 182 मीटर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये स्टैचू अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी दुगुनी है। देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है यानी 597 फीट, लेकिन अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है। ये स्टैचू गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से करीब करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है। हम आपको बता दें, इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि आप इसे लगभग 7 किलोमीटर की दूरी से भी बड़े आराम से देख सकते हैं। इस स्टैचू का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैरों की हाइट 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट है, कंधे की ऊंचाई 140 फीट है और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वैसे ये स्टैचू तो भारत में ही है, आपको तो पता ही होगा इसे बनाने में खर्चा कितना आया होगा। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इस स्टैचू को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी एकदम स्थिर खड़ा रह सकता है। इसके अलावा 6.5 तीव्रता के भूकंप को बड़ी आसानी से सह लेता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए इसमें लिफ्ट भी लगाई गई है। ये लिफ्ट प्रतिमा की छाती तक पहुंचती है। आप वहां से खड़े होकर नर्मदा नदी का नजारा बड़े आराम से देख सकते हैं। इस स्टैचू को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें लेजर लाइटिंग भी की गई है, जिससे कि रात की रौनक इससे बिल्कुल अलग हो जाती है। इसे बनाने में 1-2 नहीं बल्कि 4 धातुओं का यूज किया गया। आपको बता दें, इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस स्टैचू में 85% तांबा का यूज हुआ है। वैसे कि आपने कभी इस स्टैचू के दर्शन किए हैं? अगर नहीं किए तो आपको एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा दुनिया के बड़े बड़े स्टैचू को देखकर? आपको इसमें से कौन सी स्टैचू सबसे ज्यादा अच्छी और अनोखी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ऐसा है ना, तो दोस्तों बिना लाइक और शेयर के कहीं जाना मत। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।